कहाँ तो थाली बजाने से, कहाँ तो घंटी मारने से, कहाँ तो सीटी मारने से काम चलता है थोड़ा ही। आज देखिए नौजवान दुनिया की बेरोजगारी में है, दुनिया की महंगाई में है, दुनिया के परेशान है। इस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय नोबल पब्लिक स्कूल, एडमिशन आर ओपन, आईलाइट इंडस्ट्री, एएसी ब्लॉक्स, इंडस्ट्रियल एरिया बसवा कल्याण, मदीना पब्लिक स्कूल, एडमिशन आर ओपन। ठीक है सर, यहाँ पे टिकट के बारे में क्या भी तकरार नहीं है, टोटली हमारे जिले के 6 जो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं उसमें कोई क्षेत्र का भी कहीं कॉन्स्टिट्यूंसी का भी उसके बारे में नहीं है। आज एक ही एक लोगों के माइंड में है कि पार्टी को ऑर्गेनाइजेशन करना, पार्टी को बढ़ाना, पार्टी को मजबूत करना। पार्टी जब मजबूत होने के बाद कैंडिडेट ऑटोमेटिक पार्टी वाले डिसाइड करते हैं, ऑटोमेटिक कैंडिडेट को उसका हेल्प होता है सर। पार्टी अगर जब नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, हमारी टीम ही नहीं है, तो वो कैंडिडेट किसको भी करने से क्या भी मतलब नहीं होता। यहाँ पे कैंडिडेट सेकंड, फर्स्ट पार्टी, पहले पार्टी रहा तो उस कैंडिडेट। रेसिडेंसी इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल, एडमिशन आर ओपन, IICA PUN डिग्री कॉलेज, गांधी चौक, बसवा कल्याण। सर पार्टीज नहीं है और ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, हमारी पूरी टीम नहीं है, तो इस तरीके से ये टीम को जब करने के लिए, ये ट्रांसफार्म के जैसे हैं सब साहब, आज शर्मा साहब एक ट्रांसफार्म के जैसा, ये लाइना पूरे तरफ सब तरफ क्या है बोलते, इनकी सप्लाई है। इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन करने का, केडर बनाने का सिस्टम साहब ने बता देते हैं। और आज सब हम कोई भी गांव में जा रहे हैं सब, कोई लोग हमारे को देख के सब मुंह नहीं पलटा रहे, आ रहे, ज्वाइन हो रहे, साथ में रह रहे, और दूसरे को जुड़ा रहे, और दूसरे को जुड़ा रहे, ये हमारे को देख के नहीं सर, ये पार्टी के जो नेता हैं, पार्टी के जो उसूले हैं, पार्टी जो आज काम कर रही है उसको देख के आ रहे। हम किसी को एक चॉकलेट दे रहे हैं, किसी को चाय पिला रहे हैं, उन्होंने खुद क्या है अपने जाति खर्चे से, अपने जाति मर्जी से उन्होंने आगे आ रहे हैं और एक दूसरे को ला रहे हैं, या क्यों बोले तो उन्होंने एक दूसरे को बात कर रहे सर। देखो साहब, देखो दिल्ली में ऐसा बोले थे साहब, करके दिखा रहे, अरे उसके बाद पंजाब में बोले साहब, करके दिखा रहे। तो इसलिए देखिए साहब, ये पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ी चीज़ है, केडर बहुत बड़ी चीज़ है। ये एक पैसे वाले को जिताना, एक बड़े आदमी को जिताना, वो कोई बड़ी बात नहीं है सर। एक मोबाइल के दुकान में, मोबाइल का मालिक नहीं, मोबाइल के दुकान में काम करने वाले आदमी को जब पब्लिक जिताती है वो, तो ये क्या मजाक नहीं है साहब। जिताती है बोले तो ये बेस, इनके पीछे कौन है, इन्हों क्या कर रहे हैं वो देख के क्या है बोले तो, ये चीज़ को ये करें हिसवाए। इस वजह से एक मालक को नहीं जीता है, एक पार्टी के वर्कर, एक पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन, ये केडर ये काम करके क्या है वो तो आज आदमी को जिताने के लिए ये काम करे। तो ये वही है ना, सब शब्द नहीं देख रहे, इधर 40% इधर 50% बोले सर का, ये सिर्फ करप्शन, ये खाली जाति के ऊपर और करप्शन के ऊपर एक दूसरे का कुछ ना कुछ महम चला के काम करने का, उन्होंने डेवलपमेंट का नहीं है, चाहे कांग्रेस वाले होंगे चाहे बीजेपी वाले, खाली एक चुप। अब देखिए कई लीडरों को, कई ऑफिसरों को, कई लोगों को क्या है वो ईडी का, उसका सीबीआई का, वो ये ऐसे ही है, दूसरा क्या भी उनके पास मुद्दे नहीं है, क्या भी उनके पास ये नहीं है। आज देखिए नौजवान दुनिया की बेरोजगारी में है, दुनिया की महंगाई में है, दुनिया के परेशान है। आज लोग वो क्या है वो तो वो इसमें लगे हुए हैं, उसको छोड़ो कोसा तो एक इशू, कोसा तो एक मामला लाने का, उसमें क्या है वो तो गोल, दूसरा क्या भी ये नहीं है। कहाँ तो थाली बजाने से, कहाँ तो घंटी मारने से, कहाँ तो सीटी मारने से काम चलता है थोड़ा ही, काम जिससे चलता है वो काम तो वो होना ही चाहिए। नहीं सब नाराज़गी नहीं, पार्टी वाले भी हमारे को बहुत सारे सहूलतें दिए, पार्टी वाले सारे चीज़ें किए, नाराज़गी तो नहीं है। लेकिन ये जो पार्टी के जो उसूले हैं, ये पार्टी के जो आज जो उन्होंने कर रहे हैं, ये आज कर्नाटक में भी लाए तो 4 आम लोगों को सहूलत होंगी, हम सब आवाज़ करेंगे बोल के ये पार्टी में चलो। नहीं, बीदर साउथ मेरा होम एरिया है, मेरा बीदर, ये साउथ का एरिया, मेरा एरिया, मेरा गांव वगैरह, हमारे कारोबार, हमारे सारे चीज़ें, सब चीज़ वहाँ पे है। मेरा जो दिन पटेल साहब का इंतकाल होने के बाद वहाँ पर पार्टी वाले बोले वो सीट इस तरीके से है बोल के, उस वजह से वहाँ पे ठहरे, मगर होम एरिया ही मेरा साउथ है सर। उस वजह से पार्टी वाले अगर मेरे को टिकट अगर साउथ से देंगे तो मैं बराबर लड़ूंगा। देखिए साहब, बंडेपा साहब का हमारा पर्सनल क्या भी नहीं है, ये पार्टी के उसूलों के ऊपर चलने वाली बात है, डिसाइड पार्टी करेंगे सर, पब्लिक करेंगे। अब मेरा उनका पर्सनल तो क्या भी नहीं है, आज वोटर्स लीडर्स से होशियार हैं सर। आज वोटर्स को क्या है, कौन लीडर काम करने वाला है, कौन पार्टी काम करने वाला है, कौन हमारे लिए वक्त देने वाले हैं, ये सब उनकी जानकारी रहती है। पार्टी ये वोटर्स क्या है सब, पूरे लोगों को वोट देते बोलते, बाद में उनकी उन्होंने खुद डिसाइड करते हैं, और वोटर्स भी अब लीडर्स भी सबके पास जाते हैं, सबको उन्होंने यस बोलना पड़ता, ये हाथ में विड्रा तो देने का नहीं है, अपने मर्जी से काम करने का है। उस वजह से पब्लिक डिसाइड करेंगे सब किसको जिताना किसको हराना।